दिनों की तुलना में बाल रोगियों की संख्या में 2 से 3 गुना इजाफा हुआ। स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में गांव-गांव और मोहल्लों में सामूहिक रूप से लोगों के बीमार पड़ने की सूचनाएं पहुंच रही थी। जिला अस्पताल की ओपीडी में बच्चों की जांच कर रही डॉक्टर आकांक्षा चौहान की माने तो इन दिनों ओपीडी में हर रोज 100 से ज्यादा बाल रोगी खांसी बुखार और वायरल से संबंधित मरीज पहुंच रहे हैं। आज भी दोपहर 1:30 बजे तक ओपीडी के बाल रोग विशेषज्ञ के कक्ष में 104 मरीजों की सही जांच की जा चुकी है। इमरजेंसी वार्ड में बुखार और डायरिया रोग से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं, जबकि सामान्य दिनों में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 20 से 40 के बीच रहती थी। कूलर वगैरह में पानी तो इकट्ठा नहीं है, अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें जो है उसको तुरंत फैला दिया जाए पानी को, जिससे कि वहाँ लार्वा ना बन पाए। साथ ही ये जागरूक करें जनता को कि किस तरह से एहतियात बरतें कि बुखार ना हो, मच्छर ना काटें, जैसे कि पूरी वहाँ के कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें स्कूलों के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और डायरेक्ट संपर्क करते हुए समझाने के लिए कहा गया है। जिला स्तर पर हमारा एक कंट्रोल रूम स्थापित है, 24/7 वो कार्य करता है, लेकिन उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम सारी ANM को फ़ोन करा रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि वो अपनी आशाओं से जानकारी लेते हुए और अपनी संज्ञान में आए हुए इस तरह की कोई जानकारी आई उनके गाँवों में या शहरी मोहल्लों में कि कोई किसी तरह बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा किसी मोहल्ले में तो नहीं हो रहे, उसकी सूचना तत्काल हमें दें, इससे कि हम कार्रवाई तुरंत टीम भेज करके कार्रवाई करा सकें। तो ये सब हमारी प्रिकॉशन है और साथ में ये भी है कि हमने दवाइयों का स्टॉक हमारे पास है, टेस्टिंग की जो किट होती है रैपिड टेस्टिंग किट वो भी हमारे पास हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है तो वहाँ तुरंत टीम भेजने की व्यवस्था है। सारे ब्लॉक लेवल पर हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैयार है, जिला लेवल पर भी टीम तैयार है। क्या करें क्या ना करें इसकी सूचना जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सबको दी गई है और निरंतर हम इसको देते रहेंगे। शाहजहांपुर भी आर्मी स्पेशल